नमस्कार। अभी हाल में एक इशू बहुत बड़ा बना। डॉक्टर प्रीति, जो कि एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी, पोस्ट ग्रेजुएट, और स्टूडेंट ने सुसाइड किया, पहले अटेम्प्ट किया और सुसाइड अटेम्प्ट, 5 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। बोला गया कि ये लव जिहाद का केस है। अब कहा गया कि उनको कन्वर्ट करने के लिए उनका ही एक कुलीग या एक और स्टूडेंट प्रेशर डाल रहा था। बहुत सारे रिएक्शंस हैं इस पे। बीजेपी की तरफ से अलग हैं, संघ परिवार या जैसे बोले हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अलग हैं, और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से है कि लव जिहाद कुछ होता ही नहीं है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ तान्या जी हैं। तान्या जी को अब अच्छी तरह से जानते होंगे। तान्या जी संगम टॉक्स की एडिटर हैं और आप लोगों का इतना प्यार मिला है, पिछले वीडियोज 1-1 लाख टच कर रहे हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैम, पहली चीज कि ये डॉक्टर प्रीति का केस क्या है और क्या इज लव जिहाद फॉर रियल? जी नमस्ते रोहित जी, और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और मेरे वीडियोस देखने के लिए और मेरी राय पसंद आने के लिए मैं उनकी बहुत ज़्यादा जो है शुक्रगुजार हूँ। और जो प्रीति का केस है रोहित जी, जैसे आपने उठाया, तो यहाँ पे एक जो केस सामने नज़र आता है, अगर मैं उसको ऑब्जेक्टिवली देखूँ, और मैं हर चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देखना पसंद करती हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा कि एक 26 साल की मेडिकल स्टूडेंट है डॉक्टर प्रीति धारावत, और वो शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करती थी, लंबाडा कम्युनिटी से। तो उन्होंने सुइसाइड अटेम्प्ट किया था 5 दिन पहले, और ये साइड किया गया था कि मोहम्मद अब्दुल सैफ अली, जो उनके सीनियर थे, उनके द्वारा जो है उनको हरासमेंट जो है किया जा रहा था। और पुलिस को जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस मिले हैं, जहाँ पे जो अक्यूज्ड है मोहम्मद अब्दुल सैफ अली, जो डॉक्टर भी थे, वो उनके सीनियर थे, वो जो है उन मैसेजेस में बहुत क्लियरली लिख रहे हैं कि प्रीति के जो केस रिपोर्ट्स थी, जो वो बनाती थी केस समरीज, वो अप टू दी मार्क नहीं थी। और वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है उनको इस बात को लेके चिढ़ाते थे कि वो रिजर्वेशन के थ्रू आई हैं, इसीलिए वो कम दिमाग हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा करके। और प्रीति ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि उनको जो है वो प्राइवेटली ये सब चीज़ें बताएं और उनको वो करें, पर इट सीम्स दैट ये जो डॉक्टर सैफ हैं, ये जानबूझ के खुले में जो है उनको चाइड करते थे, और उनके जो है कमियों को, या उनके अगर वो कमियां सही में थी या उनको बनाई जा रही थी, वो अभी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पर वो ये भी बोलते थे ग्रुप में बाकी सारे जूनियर्स को कि प्रीति के साथ कोऑपरेट ना करें, क्योंकि ये जो है एक रिजर्वेशन के थ्रू आई हैं और ये डिजर्व नहीं करती हैं, ऐसे करके उन्होंने कई बार जताया। तो यहाँ पे जो प्रीति है वो इस बात को ऑब्जेक्ट करती थी कि हमसे 1 साल या 2 साल सीनियर को हम सर करके क्यों बुलाएं, और तो इस बात को लेके भी वो इरिटेट होते थे। और उसके बाद मेरे ख्याल से फरवरी 20 तारीख को प्रीति ने अपने फादर नरेंद्र, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे रेलवेज में हैं, उन्होंने उनको फिर ही टुक इट अप द नेक्स्ट डे फरवरी 21 को डिपार्टमेंट हेड के साथ, और दोनों से बात करी, सैफ और प्रीति से। और सैफ ने डिनाई कर दिया, और उन्होंने ये बोला कि मैं सिर्फ इसको सिखा रहा था क्योंकि मैं सीनियर हूँ। और अगले दिन इस पूरे वारदात के बाद अगले दिन प्रीति जो है अनकॉन्शियस पाई जाती है एक हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा, और सेम हॉस्पिटल में, महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया, और 5 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि प्रीति जो है उसका शायद कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, क्योंकि वो कुछ हेल्थ इश्यूज भी फेस कर रही थी, थायराइड वगैरह, और अभी तक उसकी उनकी जो रिपोर्ट्स है, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स वगैरह, वो बाहर आई नहीं है। मुझे तो खैर कुछ दिखा नहीं है अभी तक इन पब्लिक डोमेन। तो इससे मैं ये देखती हूँ कि इसका लव जिहाद का एंगल तो मुझे नहीं दिख रहा है। देखिए, हर मुस्लिम हिंदू में हम लव जिहाद नहीं ढूंढ सकते हैं, ऐसा कोई पागलपन या कुतूर नहीं है हमें हर चीज में लव जिहाद ढूंढने का, पर इसमें ये जरूर दिखाई देता है रोहित जी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो मीम भीम की एकता जो दिखाते हैं, ये कि डाउन ट्रॉडन या दलित या ये जो पिछड़े जाति के हैं या जो अवर्ण है ऐसे से करके, उनके साथ ये जो मुस्लिम मीम जो भाईचारा वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये भी सुना था कि राजस्थान के किसी गांव में या मध्य प्रदेश के किसी गांव में
कोई दलित व्यक्ति की शादी हो रही थी, उन्होंने डीजे बजाया और पास के मुसलमानों को गुस्सा आ गया और उन्होंने पीट पीट के डीजे को और उनकी जो है मृत्यु कर दी, हत्या कर दी। तो ये सब चीजें जब मैं सुनती हूँ तो ये सब जो मीम भीम का ये जो इन्होंने नारा लगा रखा है कि हम तो जी दलितों के साथ पिछड़ों के साथ बहुत चलते हैं, तो यहाँ पे ये प्रीति एक शेड्यूल ट्राइब लंबाडा कम्युनिटी की थी और उनको जो है उनके कास्ट के बेसिस पे, ट्राइब के बेसिस पे और रिजर्वेशन के बेसिस पे एक मुस्लिम जो डॉक्टर है वो चाइड करते हैं और उनको तंग करते हैं और उनसे उसके चलते जो है ये बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु हुई, या तो उन्होंने सुसाइड किया या उनकी मृत्यु हुई। तो बाबा साहेब अम्बेडकर तो खैर इस्लाम के खिलाफ बहुत बोलते थे, उन्होंने तो इस्लाम अपनाया भी नहीं, उन्होंने बुद्धिस्ट बनना पसंद करा और ना ही वो पाकिस्तान गए। उसके बिल्कुल विपरीत उनके अंबेडकर फॉलोवाइट जो फॉलो करते हैं, अंबेडकर राइट जिनको अपने आप कहते हैं, वो बिल्कुल बाबा साहेब अंबेडकर के बिल्कुल विपरीत चलते हैं जो भी उनकी थ्योरी है। तो ये एक पॉलिटिकल जो है वो है। तो मुझे इसमें लव जिहाद का तो एंगल दिख नहीं रहा, पर ये मीम भीम की जो जिसको मैं बोलूंगी ड्रामा है, ये एकता का जो ड्रामा है, ये दिन ब दिन जो है हमें ये दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं। और ये कन्वीनियंस और एक, मुझे तो ये एक जो है ड्रामा टाइप का लगता है और अंबेडकर के थॉट्स के बिल्कुल खिलाफ ये अंबेडकर राइट्स हैं, ये चलते नहीं है उनके नक्शे कदमों पे ना उनके कथनों पे और उनके थ्योरीज पे। या मैम, एक और कंट्रोवर्सी अभी हाल में आई थी। शंकराचार्य जी ने बोला था कि अल्लाह जो है वो इंग्लिश वो संस्कृत वर्ड है और अल्लाह और एम से ओम सेम चीज है। इस पर भी मुस्लिम्स को बहुत ऑब्जेक्शन थी, खासतौर से पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया कि ऐसे तो इनके वो हैं, इनके लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स जिनको अल्लाह और ओम में फर्क नहीं पता। क्या शंकराचार्य ने बोला था और इसका जेनेसिस कहाँ दिखता है? देखिए रोहित जी, ये जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, जो भी उनका नाम है मुझे नहीं पता, मैं सबसे पहले तो उनको पूछना चाहती हूँ कि ये इनके जो महमूद मदनी हैं जिन्होंने अभी पीछे ही किसी कॉन्फ्रेंस में ये क्लेम किया था कि ओम और ब्रह्मा और अल्लाह जो है एक है, तो जरा उनपे भी कुछ टिप्पणी करके दिखाएं, आपके तो खुद के लीडर हैं, तो ये मदनी साहब क्या फरमा रहे थे, जरा उनपे भी थोड़ा हंस के दिखाएं और थोड़ा अपने रिलीजियस लीडर्स को भी बता के दिखाएं। तो एक एक तो ये बात है, और उनके लीडर्स जो रोज रोज कुछ नया अजूबा जो है जुमले बोलते रहते हैं, मैं उनके बारे में भी टिप्पणी इनको बोलने के लिए, रही बात हमारे रिलीजियस लीडर्स के, हिंदू रिलीजियस लीडर्स के, तो आप देखिएगा कि अल्लाह 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 ये एक संस्कृत वर्ड जरूर है। देखिए ये जो ये अल्लाह, ये अम्बार्थ नदियों ह्रस्व, ये अम्बर्थ नदियों ह्रस्व, ये मदर का एक साइनोनिम है, पर्यायवाची है अल्लाह, और अल्लाह नहीं है ये अल्लाह है, और इसको सुप्रीम गॉडेस भी कहा गया है, चाहे आप उसको दुर्गा कहें माँ दुर्गा कहें, और दिस नोटिफाइज फेमिनिन जेंडर एंड फीमेल मदर पावर वर्शिप इन द हिंदू ट्रेडिशन, अल्लाह फीमेल अल्लाह नहीं अल्लाह। और जी, और ये जो आप देखेंगे मनु और शत्रुपा, श्रद्धा जो मनु और श्रद्धा जो है उनके बेटा बेटी, ये एक ही पर्सन है जो चेंज करते थे, ये पूरी स्टोरी है जो मैं अभी नहीं जाना चाहूंगी, विकिपीडिया या इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो इल और इला ये दोनों नाम उनके जो है उनके संतान का जो है ऑल्टरनेटिवली रहा है, इला और इल। तो ये जो है पाणिनि ने भी अपने जो है अष्ट जो अपने बुक में उन्होंने ग्रामर के ऊपर जो लिखा है, व्याकरण के ऊपर पाणिनि ने, पाणिनि का अष्ट अध्याय, तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने भी यहाँ पे अल्लाह ये जो है एक वर्ड यूज किया है मातृशक्ति के लिए। तो शंकराचार्य अल्लाह कह रहे थे, अल्लाह एक संस्कृत वर्ड है जो बिल्कुल सही है, और ये शब्द कल्पद्रुम जो कि राधाकांत देव पंडित जो है वो बंगाल के, उन्होंने ये जो है थिसोरस जिसको है संस्कृत का लिखा था 1865 ऐसे के आसपास, बहुत वॉल्यूमनस है, 7-8 वॉल्यूम्स है उसके, और उसमें संस्कृत के जितने वर्ड्स और जितने श्लोक और जितने वो सब है सब मेंशनड है उसमें। तो उसमें भी वो मेंशनड है ये जो शब्द है,
उसके अलावा ये देवी पुराण, कलिका पुराण, चंडिक पुराण, बृहत संहिता और केरला के कुछ तंत्र के टेक्स्ट में भी मेंशन्ड है। ऑल्सो ये जो वर्ड है अला, ये पाली, प्रकृत, इवन कन्नडा में जो है इनके मीनिंग्स मातृशक्ति और माँ को डिनोट करते हैं। अब रही बात कि ये अल्लाह जो है वो सेम है कि वो अलग है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा मक्का और इन सब चीज काबा वगैरह के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तो उसमें आप देखेगा कि ये मक्का मदीना काबा जो हम अब देखते हैं, ये मोहम्मद के आने से पहले क्या था, वहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो उनके बहुत सारे अरेबिक पेगिन गॉड्स गॉडेसेस हुआ करते थे, 360 उसी काबा में, उसी मक्का के जो अभी उनका जो है हज वगैरह जहाँ होता है उसी के अंदर, और वो एक शिवलिंग के शेप में था। यदि आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो पहले जो है बिल्कुल स्टोन फॉर्म में वो एक शिवलिंग की तरह दिखता था दूर से, और अब उसको स्क्वायर का फॉर्म दे दिया गया है और ब्लैक कलर का और वो सब बन गया है। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो आप बोलेंगे कि देखिए शंकराचार्य के कुछ पूरी शंकराचार्य जी के कुछ विवादित बयान भी हैं, उसके बारे में हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, परंतु ये चीज, और किसी भी चीज को देखने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका होना चाहिए, ये नहीं है कि आप मजाक उड़ा दें या आप जो बोले भी आउट एंड आउट कैंसिल कल्चर है, नहीं, आपको स्कॉलरली तरीके से देखना पड़ेगा कि इस जो भी उन्होंने बोला है उसका जो है स्कॉलरली पर्स्पेक्टिव क्या है, उसका एविडेंस क्या है और क्या एंड में इसका कंक्लूजन निकलता है। एटलीस्ट मैं उस तरह से उसको देखती हूँ। तो अगर आप पीछे जाएं और हिस्ट्री देखेंगे तो ये जो एक शिवलिंग के शेप में था, ये जो अभी काबा आपको दिखता है स्क्वायर में, वो रीबिल्ड किया गया, उसमें 360 जो है गॉड्स और गॉडेसेस होते थे पेगिन, जिसको हम मूर्ति पूजा कहते हैं, और वो प्री अरेबिया जो है वो सब मूर्ति पूजक थे ये इस्लाम के आने से पहले। और वहां पे उन 360 गॉडेसेस में, डेटीज में और मूर्तियों में से और देवी देवताओं में से तीन जो है मेन माने जाते थे, जिसको अल्लत, मन्नत और अल उज्जा ये कहते थे। अब इसका कंपैरिजन आप लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और दुर्गा माता से, पार्वती माता से कंपेयर कर सकते हैं। और जो ये अल्लत है ये आप देखिएगा कि इस इनका जो है, और जो इला, मनु और शत्रुपा की जो डॉटर थी, इला और अल्लत, ये दोनों जो है इनकी सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों के दोनों जो है फर्टिलिटी को, और ये वो और वो जो है आप देखेंगे इसमें लायन वगैरह, और ये डेटीज जो आपको दिखेंगी 360 जो वहां से हटा दिए गए, काबा बना दिया गया, तो ये सब डेटीज जो है काफी सिमिलैरिटी है हमारे देवी देवताओं से। कुछ कुछ के हाथों में जौ है, कोई शेर पे बैठी हुई है, कुछ जो है वो धन को जो है वो करती हैं। तो यहाँ पे अल्लत जो है और इला मनु की उसमें बहुत सिमिलैरिटीज है अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो ये अल्लत है ये कभी कभी ये भी बोला जाता है कि ये अल्लाह का फेमिनिन फॉर्म है। तो आप देखेंगे कि मनु और शत्रुघ्न का एक की एक संतान थी, वो कभी इला बनती थी और कभी इल बनते थे, मेल और फीमेल एज पर सम स्टोरीज जो आप पढ़ सकते हैं। तो उसके अलावा जो अल्लत हैं, जो ये इनकी डेटी थी प्री इस्लामिक एरा में काबा में, तो वहां पे आप देखेंगे कि उनके जो मेल कॉन्सॉर्ट थे या उनके जो मेल पार्टनर थे उनको हुबल कहते थे, हुबल। तो ये हुबल की मूर्ति भी वहां होती थी। अब आप इंटरनेट पे जाके अगर हुबल गूगल करेंगे तो आपको एक स्टोन स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें कार्विंग करी गई है हुबल किस प्रकार से दिखते थे। तो आप देखेंगे कि उनका जो आइडल है वो इस तरह से दिखाया जाता था कि एक मैन है जो खड़े हैं और उनके ऊपर एक बड़ा सा चांद जो है, जो क्रिसेंट मून है, जो शिवजी के ऊपर एक ऐसे चंद्र बना होता है, तो वो हुबल के ऊपर वो जो है चांद बना हुआ है, और वहां और उस साइड से जमजम नदी जो है वो बह के उनके ऊपर आ रही है, और फिर वो नीचे जो है जमजम नदी जा रही है। अब ये जो आप देखेंगे कि फैज अहमद फैज का हम देखेंगे वाले पोयम में वो कहते थे सारे बुत उखाड़े जाएंगे, सिर्फ नाम होगा इस्लाम का, अल्लाह का। ये बिल्कुल इसी स्टोरी को
को डिपिक्ट करता है कि जब मोहम्मद आते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद, तो वो इन 360 बुतों को या आइडल्स को, डेटीज को वहां से उखाड़ फेंकते हैं और वो अल्लाह और काबा बनाते हैं, वहां पे इस्टेब्लिश करते हैं। वो फिर मक्का और मदीना और इस्लाम का जो है गढ़ बन जाता है। और अगर आप ये बोलेंगे कि शंकराचार्य और हुबल, आप देखिएगा कितनी सिमिलैरिटी, और उसको एक लूनर डेटी माना जाता है, ऐसे रिसर्च हुए हैं, तो वो लूनर डेटी है, तो इसमें कितनी सिमिलैरिटीज आप देख लेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि मैं यहीं पर इसको छोड़ना चाहूंगी, बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने दर्शकों को कि आप लोग जाके एक बार इसके बारे में जरूर रिसर्च करिए, पढ़िए कि प्री इस्लामिक अरेबिया किस प्रकार से मूर्ति पूजक जो है एक सोसाइटी हुआ करती थी, और उनके बहुत सारे मूर्तियां और नाम उनके जो है काफी सिमिलर साउंड करते थे। अगर आप डॉक्टर कॉन्राड एल्स और डॉक्टर श्रीकांत आलागिरी की भी स्टडीज को पढ़ेंगे कि आर्यन बाहर से आए नहीं थे, हम खुद आर्यन थे और हम बाहर गए, और हमारे कई शब्द आपको पूरे विश्व में दिखेंगे, और हमारी जीन्स भी कई जो है पूरे देश में, और ये पूरी स्कॉलरली स्टडी है उनकी, जिसको अभी तक वेस्टर्न वेस्ट या इस्लामिक कंट्रीज झुटला नहीं पाई हैं, उसका कोई जवाब नहीं वो ले पाए हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि तो अल्लत बिल्कुल जो है मातृशक्ति का एक वो है, और उनका जो है अगर दोनों में अगर आप ये समझते हैं कि शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि अल्लाह जो है संस्कृत शब्द है, और अल्लाह जो है वो असल में वही अल्लाह है, तो वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये शब्द जो है संस्कृत मूल से या रूट से निकलता है, और इसके आगे अब शोध करने की आवश्यकता है कि ये किस प्रकार एक मातृशक्ति से जो है टर्न हुआ, और ये जो मतलब कि जो स्टोरी पूरी या जो इस्लाम निकल के आया वो किस प्रकार से टर्न होके आया। तो ये शंकराचार्य के हर बयान को हमें एक स्कॉलरली तरीके से भी समझना चाहिए, ये कोई क्या हास्य जो है विषय नहीं है या वो नहीं है। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति यदि कुछ भी बोलता है तो उसका हमारे ऊपर वो होता है कि हम उसके ऊपर शोध करके ऑब्जेक्टिवली फिर उसका जो है विश्लेषण करें, और जो हमें समझ में आता है, हम सब पढ़े लिखे हैं, आगे चल के हम मैं चाहूंगी कि वो खुद जाके रिसर्च करें इन सब चीजों, सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। राइट मैम, मैम एक और एक फाइनल क्वेश्चन आपके साथ लेना चाहूंगा। एक एमपी है जिनका नाम है बदरुद्दीन अजमल, वो जनाब ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लीडर हैं, एमपी एमपी तो अभी शायद एमपी हैं इस समय। उन्होंने बोला कि मुस्लिम्स 20 साल बाद इंडिया को रूल कर रहे होंगे, इंडिया विल बी रन बाय मुस्लिम्स आफ्टर 20 ईयर्स। अच्छा, इस तरीके की जो बयान है वो भड़काऊ में आते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं पता है, वो बोलेंगे हम इंस्पिरेशनल देते हैं, और लेकिन कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स पर कुछ बोलना चाहेंगे मैम? देखिए रोहित जी, मैं किसी भी प्रकार के इस प्रकार के बयान ना तो किसी भी कम्युनिटी से नहीं आना चाहिए। ये जो रूलिंग की जो एक रूल करने की, दमन करने की, ये सब चीजें जो एक थॉट आती है ना, ये एक बहुत नेगेटिव फीलिंग पहुंचाती है, और ये एक बिल किसी भी तरह से कोई पीसफुल स्पीच तो नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि मुगल राज वापस आएगा। कि आपके ये मुझे तो यही समझ में आता है कि आप जो हैं हिंदुओं को क्या धमकी दे रहे हैं, क्रिश्चियनों को क्या धमकी दे रहे हैं, और जितने भी हमारे वनवासी ट्राइब्स और कास्ट है क्या उनको धमकियां दे रहे हैं। इस बयान का मतलब क्या है, इस बयान का तुक क्या है, और इस बयान के पीछे का षड्यंत्र क्या है। हमने देखा PFI का जो 2047 का वो था मिशन था, उसमें क्या था कि पूरा हमने हर जगह इन्फिल्ट्रेट कर देना है, और इस्लाम का हमने झंडा गाड़ना है, और हमने इसको इस्लामिक देश बना देना है, दर अल अल हर्ब बना देना है। तो ये सब चीजें कोई मामूली 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस का नहीं है, और इस पे आपको कोई जो है जर्नलिस्ट मुस्लिम का कोई पाकिस्तान से कोई आपको कोई वो नहीं आएगा, कोई प्रतिक्रिया इस पे उनको हंसी नहीं आती है। तो ये सब चीजें जो है, आप कुछ अच्छे भी जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, जो बहुत ऑब्जेक्टिवली बोलते हैं, मैं उनको जो है बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन बाकी जो हर चीज में जो है ये चीज हंसने का एक विषय बनाते हैं, जबकि उनके खुद के कम्युनिटी के लोग इतने हंसी से ज्यादा इरिटेटिंग बयान देते हैं, तो इसीलिए मैं तो इसके बिल्कुल सहमति में नहीं हूँ, और ये बिल्कुल हेटफुल जो है
काइंड ऑफ स्पीच है कि दो कम्युनिटी के बीच में आप एनमिटी फैलाना चाहते हैं क्या, कि आप रूल करेंगे तो हम क्या आपके स्लेव्स बन जाएंगे क्या? मतलब क्रिश्चियन, हिंदू, ट्राइबल्स, शेड्यूल कास्ट, ये सब आपके आपके नीचे आ जाएंगे। तो ये इसको बिल्कुल जो है इनके ऊपर कोई केस लगाना चाहिए, बुकिंग करनी चाहिए, 295A इनके ऊपर भी लगाना चाहिए। पर बड़ी अजीब बात है कि जो रहमानी साहब है वो अभी भी बैठ के जो है खुलेआम घूम रहे हैं, और नुपुर शर्मा अभी भी अपने घर में बैठी हैं डर के मारे। ये हमारी डेमोक्रेसी है, और इसके बाद भी कोई बोले कि ये असहिष्णु देश है और फैशिस्ट है और यहाँ पे जो है माइनॉरिटीज को डर लगता है और ये सब, तो मुझे लगता है ये हास्यास्पद है। इससे आगे मैं कुछ नहीं सोचती हूँ कि और कुछ बोलने के लायक कुछ रहा है। नहीं मैम, इस चीज को मैं भी कंडेम करता हूँ कि अगर ये दिखाना चाहते हैं। इससे पहले भी ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी बोला था कि 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बताते हैं। तो उसपे भी वो तो आराम से खुलेआम घूम रहे हैं, और वो इनफैक्ट बाहर इलाज भी करा के आया अपना यूके में, और सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। जबकि अगर आप कुछ किसी और रिलीजन के खिलाफ बोल दीजिए, फिर देखिए क्या ड्रामा होता है। ये इस तरीके की डेमोक्रेसी मैं भी पसंद नहीं करता। अगर वो राइट्स हैं तो सबके पास होने चाहिए। तो ये बदरुद्दीन अजमल, ऐसे लोग कितने दिन झेलने पड़ेंगे मैम? जी देखिए रोहे जी, आप अगर 295A के केसेस देखेंगे इंटरनेट पे, इंडियन कानून वगैरह पे ऐसे वेबसाइट्स हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक ही माइनॉरिटी कम्युनिटी के पक्ष में जो है, आप देखेंगे कि इतनी जितने PILs फाइल्ड है ना सुप्रीम कोर्ट में, अभी न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी, उसमें से 60-70% ब्लैस्फेमी, मतलब कि प्रॉफिट के खिलाफ बोला गया 295A के अंदर है। आप मान सकते हैं ये बात? मतलब PIL से चोक कर दिया इन्होंने, गला घोट दिया है कोर्ट का। तो इसका इसको इनको झेलना कैसे पड़ेगा? झेलना नहीं चाहिए वैसे तो। हमारी हिंदू कम्युनिटी को जो है इसके खिलाफ केसेस लॉन्च करने चाहिए, 295A का हमें भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब वो बना था, आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, रंगीला रसूल केस डाल के आप देख सकते हैं, और उसपे 295A कैसे बना वो भी देख सकते हैं। और वो बेसिकली किसी भी प्रकार के, किसी भी रिलीजन के खिलाफ कोई भी हेट स्पीच बोला जा रहा हो तो आप उसके खिलाफ उसके अंडर जो है रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। तो हिंदुओं को भी चाहिए कि वो भी, जहां पर भी बहुत सारे ऐसे हेट स्पीचेस हैं हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ, ट्राइबल्स के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आप बिल्कुल जाइए और 295A का यूज करिए, और आप भी पिटिशन डालिए, केस डालिए, और आप भी डाल डाल के ऐसे मतलब कि इन्हीं के मुकाबले के नंबर्स लेके आइए, तो आपको भी सुना जाएगा। तो इसका यही सोल्यूशन है कि जैसे ही कोई बोले इसके ऊपर कोई केस डाल दे, ताकि वो भी 10 बार सोचे आगे कुछ बोलने के लिए। और जैसे आप कर रहे हैं रोहित, ऐसे टॉक्स कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे ला रहे हैं, और मैं आपको बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप इतने ऑब्जेक्टिवली जो है ऐसे मुद्दे लेके आते हैं, और आप बिल्कुल एक जो है न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं कि क्या इसमें असलियत है, क्या कंक्लूजन है, और इसको ऑब्जेक्टिवली और स्कॉलरली और पूरे साइड से देखा जाए। मैं इसके लिए आपको बहुत जो है रिस्पेक्ट करती हूँ, और आपको मैं बहुत सारा मतलब नमन करती हूँ, और आप ऐसे करते रहें, और हम आपके साथ हैं, हमारे बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। और उम्मीद है मैम जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद मैम। जय हिंद, जय हिंद।